अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं बेसिसिटी ऑफ एनिलीन। ओके, हमें क्या डिस्कस करना है? बेसिसिटी ऑफ एनिलीन। तो मैं ये बता दूं कि जो एरोमेटिक अमाइंस है, मींस एनिलीन है, ये अमोनिया से भी कम बेसिक होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस इफेक्ट आता है। ऐसा होने से लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन शिफ्टेड टूवर्ड्स बेंजीन रिंग, और ऐसे में जब बेंजीन रिंग में लोन पेयर शिफ्ट हो जाता है तो नाइट्रोजन में लोन पेयर की जो अवेबिलिटी है वो फिनिश हो जाएगी, और ऐसे में एनिलीन अमोनिया से कम बेसिक हो जाता है। और यही मैंने लिखा है कि एनिलीन इज लो बेसिक देन अमोनिया ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। समझ गए बच्चों कि जो अनुनाद के कारण एनिलीन है वो अमोनिया से कम क्षारीय होता है। देखो कैसे कि ये है हमारे पास एनिलीन। ओके, यहां पर है नाइट्रोजन का लोन पेयर। एक तो जो हम बेंजीन रिंग है उसका माइनस आयन इफेक्ट है, दूसरा है कि लोन पेयर शिफ्टेड टूवर्ड्स बेंजीन रिंग प्लस आर इफेक्ट कहलाएगा। इस इफेक्ट से क्या होगा कि जो नाइट्रोजन में लोन पेयर की प्रेजेंस है या हम कहें कि जो अवेलेबिलिटी है वो फिनिश हो गई। जब अवेलेबल ही नहीं रहेगा तो फिर कैसी बेसिस हुई? तो ऐसा होने से, और ये जो लोन पेयर है ये पूरी रिंग में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होने से एनिलीन की जो बेसिसिटी है वो अमोनिया से भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एनिलीन में जो लोन पेयर है वो प्लस आर इफेक्ट से रिंग में शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने से नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, मींस लोन पेयर फिनिश हो गया, एब्सेंट हो गया, और ऐसे में यहां पर कोई बेसिक नेचर नहीं रहेगा, नो बेसिक नेचर। और यही रीजन है कि एनिलीन लेस बेसिक देन अमोनिया। मींस अगर आप इसका ऑर्डर देखें तो आप देखोगे कि ये है आपके पास एनिलीन। एनिलीन से ज्यादा बेसिक कौन होगा? अमोनिया, और अमोनिया से ज्यादा बेसिक तो है ही प्राइमरी अमाइंस। तो एक तो ये ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप समझ गए होंगे कि एनिलीन की जो बेसिसिटी है वो अमोनिया से कम क्यों है। ऐसा सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, इट इज ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, जिसमें लोन पे रिंग में शिफ्ट हो गया और बेसिसिटी कम हो गई। यहां तक बात समझ गए होंगे। अब अगर मान लो हम ये कहें कि एनिलीन में और आगे हम NH2 ग्रुप में सब्स्टिट्यूशन कराएं कि ये है हमारे पास एक एनिलीन, ओके, NH2, इससे कम बेसिक ये हो जाएगा बच्चों। कौन? कि जब आप इसमें दो ऐसी रिंग ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस तो यहां पर भी, तो यहां पर भी प्लस आर इफेक्ट मिलेगा, यहां पर भी प्लस आर इफेक्ट मिलेगा, यहां माइनस आई है, यहां माइनस आई है, यहां माइनस आई था और केवल एक बार प्लस आर इफेक्ट, जस्ट और C6H5 होल थ्राइस N। तो ये बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। समझ रहे हो आप कि जितनी ज्यादा रिंग होगी उतना ही कम बेसिक, मतलब उसी का सर है कि बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्लस आर इफेक्ट, ठीक है, ऑफ NH2 या माइनस आर इफेक्ट ऑफ रिंग और माइनस आई इफेक्ट ऑफ रिंग। जितना ज्यादा ये इफेक्ट आएंगे बेसिसिटी उतनी ही कम होगी, एक क्लियर ऑर्डर है। अब आता है कि अगर हम C6H5NH2 है, C6H5NH CH3 करते तो और बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है जबकि इसका क्या है? माइनस। और अगर आगे पूछा जाए तो C6H5NCH3CH3 तो और ज्यादा बेसिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप करोगे तो बेसिसिटी जो है CH3 या प्लस आई इफेक्ट की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। प्लस आर इफेक्ट ऑफ NH2 मींस इसका लोन पेयर की शिफ्टिंग, और माइनस आई इफेक्ट ऑफ रिंग या माइनस आई इफेक्ट ऑफ रिंग, इन तीनों की प्रोपोर्शनल। और कंपेयर करने पूछा जाए कि R यहां पर है C6H5NH2 तो इससे कम बेसिक बेसिक होता है CONH2। इस तरह से समझ गए बच्चों। तो इस तरह से बेसिसिटी की जो बेसिसिटी है एनिलीन की वो इस तरह से
नाइट्रोजन ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन में जो है इससे क्या हो जाती है, चेंज होती है। अगर एल्काइल ग्रुप लगाओगे तो बढ़ेगी, फिनाइल ग्रुप बढ़ाओगे तो घटेगी। ओके, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखो बच्चों, एक चीज और बता दूं मैं आपको, अब आएगा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, रिंग सब्स्टिट्यूएंट, रिंग सब्स्टिट्यूएंट इन बेसिसिटी ऑफ एनी। ओके, कि अगर रिंग में सब्स्टिट्यूशन होता है तो एनिलीन की बेसिसिटी क्या इफेक्ट होगी। तो देखो बच्चों, यहां पर ध्यान रखना है, पहला पॉइंट, इफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंटिंग पैरा पोजिशन, अभी मैं क्या पैरा की बात कर रहा हूं, समझ गए बच्चों, कि रिंग प्रतिस्थापी जो वलय प्रतिस्थापी है, वलय प्रतिस्थापी का एनिलीन क्षारीयता पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले ध्यान रखना है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट केवल पैरा पोजिशन है, जैसे कि यहां पर मैं ऐसे समझाता हूं कि यहां पर है NH2, तो आपको यह ध्यान रखना है कि बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। समझ गए बच्चों, कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंटर होंगे तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आएंगे तो बेसिसिटी डिक्रीज होगी। देखो कैसे, यहां पर मान लो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये मोर बेसिक देन एनिलीन, ये एनिलीन से ज्यादा बेसिक होगा, और यहां पर आ जाए कि NH2 और यहां पर है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। पहले तो ये ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह रिंग में जुड़े हैं पैरा पोजिशन में, तो ये एनिलीन से ज्यादा बेसिक होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दोगे तो लेस बेसिक हो जाएगा। ओके, एक एग्जांपल से समझ सकते हैं आप इसको, देखो इसको मैं हटा दूंगा। ओके, तो यहां पर आप ऐसे समझें कि यहां पर हम एक ग्रुप NH2 और OC2H5, ये मोर बेसिक देन NH2 और ये जो है NH2 और यहां NO2, तो इस तरह से पैरा पोजीशन में ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा। क्यों करता है बच्चों, क्योंकि लोन पे अगर रिंग सब्स्टिट्यूट करेगा तो यहां डेंसिटी बढ़ा देगा, मींस यहां पर इसका प्लस आर इफेक्ट है, यहां पर इसका माइनस आर इफेक्ट है, तो ऐसे में प्लस आर इफेक्ट रेजोनेंस रिंग के प्लस आर इफेक्ट को बढ़ा देगा, जिसके कारण जो है एनिलीन की जो बेसिसिटी है वो और बढ़ जाएगी। समझ रहे हो आप, इसी तरह से और भी ग्रुप हम ऐड करके देख सकते हैं कि किन ग्रुप्स के बेस पर बेसिसिटी और इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। जैसे हम यहां पर देखें कि यहां पर हमारे पास सपोज एनिलीन है और यहां NH2 ग्रुप है, तो इससे बेसिसिटी इससे रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी, किसके, यहां पर हम OCH3 लगा दें और ये ज्यादा बेसिक और कम हो जाएगा कि NH2 और यहां CH3, क्यों, क्योंकि इसका प्लस आर इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव है, प्लस आर इफेक्ट इससे, और यहां प्लस एच इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन का, तो ये इफेक्ट पड़ेगा। तो समझिए आप कि पैरा पोजीशन में अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ोगे तो बेसिसिटी जो है वो क्या होगी, विथड्रॉइंग ग्रुप अगर जोड़ेंगे और रिलीजिंग, तो रिलीजिंग ग्रुप से तो बढ़ेगी और विथड्रॉइंग ग्रुप से डिक्रीज होगी। जस्ट ऐसा ही यहां सपोज आपके पास NH2 है और यहां पर आपने क्या जोड़ रखा है NO2, तो इससे ज्यादा बेसिक होगा कौन, NH2 और यहां पर CN ग्रुप जोड़ देंगे, इससे ज्यादा बेसिक हो जाएगा जो ग्रुप NH2 और ये है सपोज यहां पर हमारा NO2 है, CN है, तो यहां हैलाइड ग्रुप जोड़ देंगे। तो जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट या जो है ये माइनस आई इफेक्ट प्लस, यहां माइनस आर है ठीक है, लेकिन प्लस आर है, तो इस तरह से बेसिसिटी इस पर चेंज होगी। यहां तक बात समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आएंगे दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को, बताता हूं मैं आपको कि यही ग्रुप ऑर्थो में हो या मेटा में है तो बेसिसिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, पहले आप इसे
अब देखो बच्चों, अभी मैंने आपको पैरा सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताया कि पैरा सब्स्टिट्यूएंट में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो बेसिसिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है। अब आता है ऑर्थो इफेक्ट के बारे में। ऑर्थो इफेक्ट का मतलब होता है कि एनिलीन में जो बेंजीन रिंग है उसकी ऑर्थो पोजिशन में चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ दो और चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दो। फिर से सुने, एनिलीन की बेंजीन रिंग में ऑर्थो पोजीशन में चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ दो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दो, ऐसा जो एनिलीन है उसकी जो बेसिसिटी होती है उसके जो अदर सब्स्टिट्यूएंट है मींस मेटा या पैरा उनके रिस्पेक्ट में कम होती है और यहां तक कि ये एनिलीन से भी कम बेसिक हो जाता है। समझ गए आप कि ऐसा सब्स्टिट्यूएंट एनिलीन से भी कम बेसिक होगा, इसे बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि ऑर्थो पोजीशन में अगर कोई ग्रुप है चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो या विड्रॉइंग, ये एक तो NH2 ग्रुप की हाइड्रेशन के रेट को कम करता है मींस उसकी हाइड्रेशन को कम कर देता है, दूसरा ये है कि ये ग्रुप जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, खींचता है, और ऐसे में जब लोन पेयर पे इफेक्ट पड़ेगा तो बेसिसिटी तो डिक्रीज होगी। ओके, तो यही लिखा है कि एनी ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन देन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज वीकर रेस अमंग इट्स अदर मेटा पैरा सब्स्टिट्यूएंट बिकॉज ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट डिक्रीज हाइड्रेशन एंड अट्रैक्ट लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन टुवर्ड इटसेल्फ एंड डिक्रीज द बेसिसिटी। समझ गए बच्चों कि भले की ऑर्थो स्थिति में चाहे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा हो चाहे प्रतिकर्षी कोई भी समूह उपस्थित हो, ध्यान रखें ऑर्थो प्रतिस्थापी एनिलीन जो है वो अपने मेटा पैरा और यहां तक कि एनिलीन से भी कम बेसिक होगा। रीजन है ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट एक तो जलयोजन हाइड्रेशन को कम करता है और लोन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और यही रीजन है कि ऐसे में बेसिसिटी क्या हो जाती है कम। देखो मैं इसको इस तरह समझाता हूं, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट बेसिसिटी को कम करता है, इसे बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ध्यान रखें ऑर्थो इफेक्ट बेस की बेसिसिटी को बैक करता है, मतलब पीछे ले जाता है, और ऑर्थो इफेक्ट एसिड की एसिडिटी को आगे करता है, ऐसे एसिड में आगे याद रखना है और बेस की बात की गई हो तो बैक करना है। ओके, देखो इस तरह से आप समझें कि यहां पर हमारे पास NH2 ग्रुप है, ओके, यहां ऐसा नहीं है और ये इसका लोन पेयर है, यहां पर है CH3। तो ध्यान रखें कि जब यहां पर H2 हाइड्रेशन के लिए आता है तो एक तो ये इंटरफेयर करता है, ये ग्रुप इंटरफेयर करता है, दूसरा है इस लोन पेयर को ये अट्रैक्ट करता है क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन से यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये सारे फैक्टर मिलके मतलब ये जो इफेक्ट है इसी को बोलते हैं क्या, ऑर्थो इफेक्ट। और इसी ऑर्थो इफेक्ट के कारण ठीक है जो बेसिसिटी है बच्चों वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। तो इसका मतलब है कि अगर हम एनी ऑर्थो का देखें तो अगर हम इनके NH2 CH3 ये ले लें, फिर हम एनिलीन लें NH2, फिर हम यहां पर ले लें कौन NH2 और CH3, और फिर यहां पर हम लेते हैं NH2 CH3, ये सब कौन सा ग्रुप है बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ओके, तो यहां पर देखो आप ये है ऑर्थो इफेक्ट, ये क्या है ऑर्थो, तो ये तो हो गया एनिलीन से भी कम बेसिक। अब यहां आते हैं तो देखो इसका प्लस आई इफेक्ट है, यहां प्लस एच इफेक्ट है, प्लस एच मोर इफेक्टिव देन प्लस आई, सो एनिलीन से ज्यादा इफेक्टिव तो हुआ मेटा और मेटा से ज्यादा क्या हो गया पैरा। इसका मतलब है ऑर्थो फिर एनिलीन फिर हमारे मेटा और मेटा से ज्यादा क्या हो जाएगा बच्चों पैरा, ये ध्यान रखना है। तो एनिलीन की बेसिसिटी को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने के बाद भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट एनिलीन से कम बेसिक हो गया, रीजन है CH3 ग्रुप इस लोन पेयर को अट्रैक्ट करता है, दूसरा है कि यहां पर हाइड्रेशन रेट को कम करता है तो इससे बेसिसिटी कम हो जाती है। यहां तक समझ गए, अब हम आ जाते हैं कि हम नाइट्रो ग्रुप लगाएं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो बच्चों नाइट्रो तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, समझ गए ना कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब नाइट्रो ग्रुप अगर हम ऐड करते हैं
तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो NH2 यहां पर अभी कुछ भी ग्रुप नहीं है, ओके, यहां हो गया NH2 और NO2 ग्रुप लगा दे, यहां आ जाए हम NH2 और NO2 ग्रुप यहां ले ले, और अब यहां पर आ जाए NH2 और NO2 ग्रुप। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा एनिलीन कम बेसिक होगा और कौन ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। तो अब आप यहां देखें कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट है वो तो सबसे कम बेसिक होगा, बट इन सबसे ज्यादा एनिलीन, समझ गए बच्चों कि यहां पर जो एनिलीन है, पहली बात तो ध्यान रखना है कि बेसिसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एम इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, यहां चले जाए तो माइनस एम भी है माइनस आई भी है, यहां चले जाए तो माइनस आई है और यहां चले जाए तो माइनस एम इफेक्ट, मींस माइनस आर वैल्यू को ज्यादा कीजिए आप समझ जाओगे। तो यहां पर जबकि यहां पर ना तो माइनस आई है और ना माइनस आर है, तो ध्यान रखें कि एनिलीन तो सबसे ज्यादा बेसिक हुआ, मींस ये सबसे ज्यादा बेसिक हुआ इन तीनों से। अब आता है कि इनमें तो अब इसकी बारी आ जाएगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा मेटा, क्यों? क्योंकि यहां केवल माइनस आई इफेक्ट है। अब यहां माइनस आर है, यहां भी माइनस आर है, लेकिन यहां माइनस आई भी है, बट ये है ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट और हम जानते हैं कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट सबसे कम बेसिक होगा, तो आपका जो ऑर्डर मिलेगा वो ये हो जाएगा, भले यहां माइनस आर और माइनस आई दोनों है, जबकि यहां केवल माइनस आर है, बट ऑर्थो इफेक्ट के कारण यहां कौन सा इफेक्ट आ गया, ऑर्थो इफेक्ट, समझ गए ना, ऑर्थो इफेक्ट के कारण ही ये लो बेसिक हो जाएगा, वीकर वेरिएशन, ठीक है, कि ये कैसा होगा वीकर वेरिएशन, यहां ध्यान रखना। तो नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन कौन सा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो वैसे ही तो एनिलीन इनमें सबसे ज्यादा बेसिक है, फिर मेटा, फिर पैरा, फिर ऑर्थो। तो यहां तक समझ गए होंगे नाइट्रो ग्रुप के बेस पर, यहां से मैं हटा देता हूं, अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब सपोज यहां पर हैलोजन ग्रुप एंटर करा दिया जाए बच्चों, क्या एंटर करा दें हम हैलोजन ग्रुप, अब हम आ जाते हैं कि ये है हमारे पास एनिलीन NH2 और यहां पर हम NH2Cl, यहां पर आ जाए, ठीक है, NH2Cl और यहां पर आ जाए NH2 और Cl। अब आपको इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर डिटरमाइन करना है और फिर बताना है कि कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा और कौन सबसे कम बेसिक होगा। तो ध्यान रखें कि इसका माइनस आई इफेक्ट जो होता है और प्लस आर, तो माइनस आई मोर इफेक्टिव देन प्लस आर, तो बेसिसिटी ओनली डिटरमाइन बाय ओनली इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, ये देखना है बच्चों, समझ गए ना, आपको बेसिसिटी केवल इंडक्टिव फैक्ट के बेस पर बतानी है। तो इंडक्टिव फैक्ट के बेस पर जब आप बेसिसिटी बताओगे तो सबसे देखो इन सब में तो सबसे ज्यादा एनिलीन हुआ, फिर उसके बाद पैरा, फिर उसके बाद मेटा और सबसे कम कौन सा हो जाएगा बच्चों ऑर्थो, समझ गए ना, क्योंकि डिस्टेंस जितनी ज्यादा दूर होगी बेसिसिटी उतनी कम होगी, सॉरी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां माइनस आई इफेक्ट लगभग जीरो हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा माइनस इफेक्ट जीरो है, यहां माइनस आई इफेक्ट है, यहां माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन यहां ऑर्थो इफेक्ट भी है और दूसरा ये नियरेस्ट भी है और इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट यही पड़ेगा। तो सबसे कम बेसिक ये, उससे कम बेसिक ज्यादा बेसिक कौन हो गया मेटा, और उससे ज्यादा पैरा और पैरा से ज्यादा एनिलीन आएगा, समझ गए ना। तो इस तरह से अगर हम किसके बेस पर देखते हैं बच्चों कि क्लोराइड, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट होगा। अब हम आ जाते हैं यहां पर कौन सा और ग्रुप लेते हैं एक बार, ओ आर, ओ आर, ओ आर और ओ आर, ध्यान रखें कि ओ आर नॉट सो ऑर्थो इफेक्ट, इस बेस पे नहीं देखना, ओके, यहां पर आपको ऑर्थो इफेक्ट जो है नहीं देखना। तो अब आप इसमें देखेंगे कि कौन सा ग्रुप क्या इफेक्ट डालेगा, देखो बच्चों यहां पर है प्लस एम या प्लस आर और माइनस आर, यहां पर है माइनस आर और यहां पर चले जाओगे तो कौन सा इफेक्ट है प्लस आर, तो यहां पर प्लस आर है, तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया पैरा,
यहां पर प्लस आर और माइनस है तो यहां पर आ जाएगा ऑर्थो। यहां पर आप देखोगे कि माइनस आर इफेक्ट है बट प्लस आर इफेक्ट नहीं है, तो यहां पर आपको फिर इन दोनों में इसमें और इसमें देखना है। तो इसमें तो माइनस आई इफेक्ट है बट इसमें नहीं है, तो ये मोर बेसिक देन ये, तो यहां हो जाएगा एनी और एनी मीन से कम हो जाएगा मैटा। यही आपको किसके बेस पर देखना है, OH। OH का भी इस तरह का और इफेक्ट नहीं देखा जाता, तो ये इफेक्ट पड़ते हैं क्यों, क्योंकि इनमें ऑलरेडी लोन पेयर है और ये लोन पेयर को अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो इनके बीच में कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट देखिए ही बेसिसिटी। तो यहाँ पर आपने देखा कि पैरा में प्लस आर इफेक्ट है, यहाँ ऑर्थो में प्लस आर इफेक्ट है बट इसमें माइनस आर आ गया, तो पैरा सबसे ज्यादा फिर ऑर्थो, फिर एनिलीन और मेटा में देखोगे तो इसमें माइनस आर इफेक्ट पड़ रहा है तो ये कम बेसिक हो जाएगा, एनिलीन ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ गए होंगे इस तरह से एनिलीन की बेसिसिटी को आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह से। ओके, इसको नोट करो। अब देखो बच्चों, कुछ और इंपॉर्टेंट जो है बेसिसिटी के ऑर्डर्स जो है मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और आते रहते हैं। जैसे ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ये है हमारे पास पिरिडीन, समझ गए ना, ये क्या है बच्चों पिरिडीन, ये क्या हो गया एनिलीन, और ये है हमारे पास पायरोलिन। पूछा जाता है इन तीनों में ज्यादा बेसिक कौन है कौन कम है, तो ध्यान रखें पायरोल तो सबसे कम बेसिक है, क्यों, क्योंकि इसका लोन पेयर एरोमेटिसिटी में यूज होता है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में यूज हो जाता है जिसके कारण यहाँ एबिलिटी खत्म हो जाती है, बट यहाँ पिरिडीन का लोन पेयर फ्री रहता है, भले वो sp2 हाइब्रिड कार्बन में नाइट्रोजन में है बट ये फ्री रहने से इसकी बेसिसिटी एनिलीन से ज्यादा है। मैं इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बता दूं, Kb 1.7 × 10⁻¹⁹ है किसका, पिरिडीन का, जबकि एनिलीन का 3.8 × 10⁻¹⁹ और इसका वैल्यू नहीं दे रखी, तो ये बेसिसिटी का एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा है कि अगर हम इसे पिरिडीन को इस तरह से पाइपिरिडीन में चेंज कर दें, रिड्यूस कर दें, तो ये ज्यादा बेसिस हो जाएगा देन ये, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर जो कार्बन है वो sp3 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या था, सॉरी नाइट्रोजन sp3 हो जाएगा और यहाँ क्या था sp2, तो sp3 में लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है देन sp2, क्यों, क्योंकि sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जस्ट ऐसा ही इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पर भी कॉन्सिस्टेंट आ जाएगी sp3, यहाँ कौन सी है sp2। अब यहाँ आ जाए ये है पायरोल, इसमें एरोमेटिक करैक्टर है, इसमें एरोमेटिक करैक्टर होने के बाद भी एक लोन पेयर बच जाएगा तो ये ज्यादा बेसिक होगा और इनसे कहीं ज्यादा बेसिक ही होगा क्योंकि यहाँ पर sp3 हाइब्रिड है। इनमें आप देखें कि यहाँ पर ये वाला है तो यहाँ NH और यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन है, ऐसे में इसका माइनस आई इफेक्ट पड़ेगा तो बेसिसिटी इसकी कम और इसकी क्या होगी ज्यादा होगी। यहाँ आ जाए नाइट्रोजन में 3 एल्काइल ग्रुप जैसे रिंग जुड़ी हुई है तो ये ज्यादा बेसिक होगा, यहाँ पर लोन पेयर कॉन्जुगेशन कर सकता है इसके साथ, इसलिए इसकी लोन बेसिसिटी थोड़ा कम हो जाएगी और इससे कहीं बेसिक ये कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये सेकेंडरी अमाइन जैसा नेचर शो करेगा। यहाँ पर Cr3 है, माइनस आई इफेक्ट पड़ेगा तो इसकी बेसिसिटी कम होगी, यहाँ प्लस आई इफेक्ट पड़ेगा तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसको नोट करो। अब देखो बच्चों एक और इफेक्ट बता देता हूं, SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहेरिशन रेजोनेंस इफेक्ट। तो ध्यान रखें कि ये जो इफेक्ट है वो एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की जो बेसिसिटी है उसको कम करता है, कैसे, कि अगर ये ग्रुप दो मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन में जुड़े हैं और ऑर्थो पोजीशन में भी मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं तो इनकी स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है वो रिंग से पीछे की तरफ झुक जाएगा, क्यों, क्योंकि ये फैक्टर इनका स्टेरिक हिंड्रेंस आता है जिसके कारण ये पीछे की तरफ झुक जाएंगे। अब जब ये पीछे की तरफ झुक जाएंगे तो इस रिंग का जो प्लस आर इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, प्लस आर इफेक्ट जीरो हो जाएगा बच्चों, रिंग का मीन्स इस रिंग में जो मिथाइल ग्रुप है और ये रिंग मिलकर जो नाइट्रोजन पर एक इंडक्टिव इफेक्ट डालते तो वो इफेक्ट क्या होगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसे में ये नाइट्रोजन पर इस रिंग का जो प्लस आर इफेक्ट जीरो हो जाएगा तो इसकी बेसिसिटी इससे कम हो जाएगी। इसमें क्या है, सीधा सीधा दो इस तरह से है
और इस रिंग का भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये बेसिक ज्यादा होगा देन ये, जबकि यहां पर ये दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये ज्यादा बेसिक होना था, बट इनके SIR इफेक्ट से इसकी जो बेसिसिटी है वो इससे कम होगी, और इससे कहीं ज्यादा बेसिक होगा बच्चों अगर हम यहां पर CH3 रिंग में ऐसा जोड़ दें। तो ध्यान रखें कि यहां पर अब प्लस आर, या यहां पर और जोड़ दें तो यहां पर प्लस आर इफेक्टिव हो जाएगा, और ये एनिलीन इससे कहीं ज्यादा ये बेसिक हो जाएगा, समझ लेना। तो ये कहलाता है SIR इफेक्ट, कि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ ऑर्थो मिथाइल ग्रुप ऑन CH3, ठीक है, ऑन NCH3 ग्रुप, इनके ऊपर जो मिथाइल का ऑर्थो इफेक्ट पड़ रहा है, देन NCH3 टिल्टेड ब्लो द रिंग, रिंग से नीचे झुकेगा, द कोप्लेनारिटी ऑफ रिंग विद N ग्रुप इस ग्रुप के साथ लॉस्ट हो जाएगी, एंड SIR इफेक्ट ऑफ द रिंग इज डिक्रीज, और ऐसे में बेसिसिटी डिक्रीज होगी। समझ गए बच्चों कि इन मैथिल समूहों की त्रिविम बाधा से ये समूह पीछे की तरफ झुक जाएगा, ऐसा झुकने से रिंग और इस ग्रुप के बीच में जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो समाप्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ऐसे में रिंग का प्लस आर इफेक्ट इसमें नहीं पड़ेगा, और ऐसे में इसकी बेसिसिटी इससे कम हो जाएगी, इससे कहीं ज्यादा बेसिक ये होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई SIR इफेक्ट नहीं पड़ता, यहाँ पर जो है SIR इफेक्ट जीरो है, यहाँ पर SIR इफेक्ट प्रेजेंट है, तो इस तरह से इस बेसिसिटी में ये इफेक्ट पड़ता है SIR इफेक्ट का। तो ध्यान रखें कि ऑर्थो में चाहे एक ग्रुप लगा दो चाहे दो लगा दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या रिलीजिंग, ये बेसिसिटी को हमेशा डिक्रीज करते हैं, यही है ऑर्थो इफेक्ट, यही है SIR। अगर ये रिंग के पीछे की तरफ झुक जाते हैं तो ये SIR है, रिंग में नहीं झुकते, जैसे NH2 ग्रुप, इसमें SIR इफेक्ट वर्क नहीं करता, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो छोटा ग्रुप है, उस पर खास इफेक्ट नहीं पड़ता, बट इस तरह के मिथाइलेटेड सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आए तो पड़ता है SIR इफेक्ट। ये था हमारा एनिलीन की बेसिसिटी पर सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे सारे ग्रुप्स की बेसिसिटी मैंने आपको बता दी जो आते रहते हैं क्वेश्चन, बस यहां तक आप नोट कर लें। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेंगे उसमें हम प्रॉपर्टीज लेंगे किसकी, इस पूरे एनिलीन की। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।